बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। सदियों से प्रकृति को इकोसिस्टम का हिस्सा है गिद्ध। गिद्धों और अन्य पक्षियों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड के कोटेद्वार में एक शिक्षक 26 वर्षों से विशेष प्रयास कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पेड़ पौधों और नदी नालों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी सुरक्षित रखना होगा। हमारे पर्यावरण में अलग अलग पक्षियों का बड़ा महत्व है। इन पक्षियों में पक्षीराज कहे जाने वाले गरुड़ का विशेष महत्व होता है। गरुड़ यानी गिद्ध को पर्यावरण का सफाई कर्मी भी माना जाता है, क्योंकि ये गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जानवरों से फैलने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है। यदि हमें पर्यावरण बचाना है तो लुप्त होने के कगार पर खड़े गिद्ध को भी बचाना बहुत जरूरी है। कोटद्वार नंदपुर निवासी शिक्षक और पक्षी प्रेमी दिनेश चंद्र कुकुरेती गौरैया के साथ साथ अन्य पक्षियों के संरक्षण के लिए लगभग 26 वर्षों से काम कर रहे हैं। साथ ही पिछले 12 वर्षों से गिद्धों के संरक्षण के लिए हुए अपने कार्य क्षेत्र रिकड़ी खाल क्षेत्र में अपने विद्यालय के आसपास की पहाड़ियों पर रहने वाले गिद्धों को कोई नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए वो गांव वालों को जागरूक करते हैं और उन्हें पर्यावरण के प्रति संदेश देते हैं। आसपास के गांव में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल न करें। यदि आपका कोई मवेशी मरता है तो उसको एक स्थान पर ऐसी जगह में रखें जहाँ पे गिद्ध उसको आसानी से देख सके, अपना भोजन प्राप्त कर सके। और दूसरा, जंगलों में जो वनों में आग लगे लगातार, क्योंकि इससे भी मैंने देखा गिद्ध बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो उस क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से लोगों को मोटिवेट करना है कि गिद्ध भी हमारे पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। पक्षी प्रेमी दिनेश चंद्र कुकुरेती कहते हैं कि गिद्ध हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पक्षी होता है। इसके बिना पर्यावरण संतुलन की कल्पना भी मुश्किल है। यदि गिद्ध बचेगा तो निश्चित तौर से पर्यावरण बचेंगे। गिद्ध बचेगा तो निश्चित तौर से एक हमारे पास ये कि मवेशियां, जो हम अपने जो मवेशियां हैं हम उनके भोजन की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे घर में पशुधन भी बढ़ेगा। पशु जंगल बढ़ेगा, वनों में आग लगना या कीटनाशक का प्रयोग हम पूर्णतः प्रतिबंध करेंगे, क्योंकि कीटनाशक का प्रयोग से न सिर्फ गिद्ध नहीं बहुत सी पक्षियां या छोटे जीव जंतु जो होते हैं वो मर जाते हैं। दिनेश चंद्र कुकुरेती वो समय समय पर क्षेत्रवासियों और विद्यार्थियों के साथ क्षेत्र में रहने वाले गिद्धों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसका परिणाम ये है कि आज उस क्षेत्र में एक बड़ी तादाद में गिद्ध देखे जा रहे हैं, जो एक सुखद पहलू है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।